गुड इवनिंग। आज हम एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बताने वाले हैं जो कि ट्रांसलेशन में खास करके काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये इसके बिना ट्रांसलेशन जो है बढ़िया से आप जो है अच्छे जो है बारी बारी ट्रांसलेशन होता है उसको नहीं बना सकेंगे आप। तो आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर पहले बना पाने के बाद आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर है, एक है जैसे किसी वाक्य वर्ब में रहता है आना और एक होता है वाना। ठीक है, आना वाना यानी हम पढ़ा क्या रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब इसका हिंदी हुआ प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। आप बहुत सारे वाक्य देखे होंगे, थोड़ा पहले गौर कर लेते हैं वाक्यों पर किस प्रकार का वाक्य होता है। जैसे मैं हंसता, तो सीधा से बनाते हैं खुद ही हंसता है, आई लव, है ना। लेकिन अगर रहेगा मैं हंसाता या मैं तुम्हें हंसाता, मैं तुम्हें हंसाता, तो ये काम जो है मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ही कर रहा हूँ, मैं हंसाता हूँ, लेकिन हंसाना का अंग्रेजी कोई तो है ही नहीं। तो ऐसा जो है जब हंसाना यानी आना, इसमें क्या छुपा है, हंसाता उसमें क्या है आना, तो ये आना वाला वाक्य है। तो इसमें जो है क्या होगा, आई मेक यू लाव, क्या होगा, आई मेक यू लाव, यही रहेगा मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, मैं तुम्हें हंसवाता हूँ, तब क्या हो जाएगा, आई गेट यू लाफ, आई गेट यू लाफ। ये तो बना दिया मैंने, तो स्ट्रक्चर समझिए कि अगर आना वाला रहेगा जिस भार पे मैं आना छिपा रहेगा, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, वो आप जानिएगा, या मेड भी हो सकता है इसका, यानी मैक रूप लगेगा, मैक वर्ब, मैक मैक्स में ये सब लिटू में हो जाएगा। और प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डाल दीजिएगा, और इसके बाद फिर यू-वन का प्रयोग करिएगा, जो मैं जैसे मैं आपको हंसाता हूँ तो हंसाना होगा आपका, और ये यू-वन। ठीक है, मैक एक्स्ट्रा रूप में आया, हंसना होता है वर्ब, हंसाना नहीं होता है, इसीलिए क्या हुआ वहां पर मेक एक्स्ट्रा रूप में लगा। इसी तरह अगर वाना रहेगा किसी क्रिया में तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस गेट्स हो सकता है, या हो सकता है गॉट भी हो पास्ट टेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इसमें क्या हो जाता है, बी थ्री हो जाता है। यही अंतर है, वाना में क्या हो जाता है, बी थ्री हो जाता है, और आना में बी वन ही रहता है। यही दोनों स्ट्रक्चर कंप्लीट रखिएगा, आप पर एक भी चीज गलती नहीं होगा। जिस तरह जैसे मैं बाल कटवाऊंगा, कटवाना वाना है, तो यहाँ पर लगेगा आई शैल लगाना होगा फ्यूचर टेंस में, तो आई शैल गेट माई हेयर कट, कट का तीसरा रूप तो कट ही होता है, कट कट का। जैसे मैं आज पिताजी से 10 रुपये क्या कहते हैं पाऊंगा, पाना हुआ, तो इसमें तो जनरली इसमें नहीं हुआ। तो जिस स्ट्रक्चर में इस तरह से आना वाना आए तो आप मेक और गेट करके बना सकते हैं। ठीक है, बस आज इतना ही। इस पर आप जो है 20 ट्रांसलेशन बनाएंगे, इस पर आप 20 ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपका पॉजिटिव वर्ब चुटकियों में खत्म है। ठीक है, थैंक यू।